नमस्कार, दिस इज सुमन मुखर्जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं एक गेस्ट हाउस में हूँ। आज एक प्रोग्राम के सिलसिले में मैं बाहर आया हूँ, तो मैंने सोचा कि एक सिंगिंग लेसन आप सभी से शेयर किया जाए। ये एक तान का अंदाज़ है जो कि पटियाला घराने का खासियत है। वही मैं बेसिक से आपको थोड़ा समझाने का आज कोशिश करूँगा, और इसके बाद इसका एडवांस का जो प्रैक्टिस है वो भी आप सभी के सामने लेके आऊँगा। तो प्रैक्टिस जो है, हम जो बेसिक पलटा करते हैं कि ग रे सा मा ग रे पा मा ग धा पा मा नी धा पा सा नी धा रे सा नी ग रे सा, ये पलटा हम सभी रियाज करते हैं। तो इसी पलटे में मैंने जो कहा कि तान का जो एक अंग मैं आप सभी से शेयर करने जा रहा हूँ वो है कि ग रे रे सा सा ग रे रे सा सा ग रे ग रे सा रे सा ग रे रे सा सा। तो इसमें देखिए, मैं धक्का ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ कि ग रे रे सा सा, ऐसा नहीं, गमक करके नहीं गा रहा हूँ मैं पोलाइट करके गा रहा हूँ, लेकिन वॉल्यूम साफ करके गाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ग रे रे सा सा, सुर का पॉइंट देख के कि ग रे रे सा 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 सा, तो ग रे ग रे सा रे सा, तो ग रे रे सा सा आ, 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 और आकार में भी ज़्यादा धक्का नहीं होगा आ, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम डाउन नहीं होगा, लाइक ऐसे नहीं होगा वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन धक्का ज़्यादा नहीं होगा। तो जो मैं बोला कि ग रे सा, उसको मैं कैसे गा रहा हूँ, ग रे रे सा सा ग रे रे सा सा, तो ग रे ग रे सा रे सा। अभी दूसरा मा ग रे, तो मा ग ग रे रे मा ग ग रे रे, तो मा ग म ग रे ग रे। अभी तीसरा पा मा ग पा मा मा ग ग पा मा पा मा ग म ग धा पा मा धा पा पा मा मा धा पा पा मा मा धा पा धा पा मा पा मा नी धा धा पा पा नी धा नी धा पा धा पा सा नी नी धा धा सा नी सा नी धा नी धा रे सा सा नी नी रे सा सा नी नी, तो रे सा रे सा नी सा नी ग रे रे सा सा ग रे ग रे सा रे सा। तो ये पूरा आरोहण हुआ। तो जो मैं गा रहा था कि ग रे सा मा ग रे पा मा ग धा पा मा नी धा पा सा नी धा रे सा नी ग रे सा, अभी इसको कैसे गा रहा हूँ कि ग रे रे सा सा मा ग ग रे रे, उसमें स्वर को आपको देखने का कोशिश करना पड़ेगा कि ग रे 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 ग रे रे ग रे रे ग रे, तो ग रे रे सा सा ग रे रे सा सा मा ग ग रे रे पा मा 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 तो मा पा मा ग ग ग म ग। तो ऐसे आपको स्वर में फोकस देना पड़ेगा कि कैसे लग रहा है वो। तो पूरा आरोहण मैं गा रहा हूँ एक बार, ग रे रे सा सा मा ग ग रे रे पा मा मा ग ग पा मा मा ग ग धा पा पा मा मा नी धा धा पा पा सा नी नी धा धा रे सा सा नी नी ग रे रे सा सा। तो ये पूरा आरोहण हुआ। अब इसको आकार में भी करना है बार बार, तो आ आ आ आ आ आ आ आ आ, और आकार गाते वक्त आपको स्वर में, स्वर को मन में गाना है कि वो कैसे लग रहा है। आ ग रे ग रे सा रे सा, तो आ आ आ, ये हुआ पूरा आरोहण। अब इसको रिवर्स करके आप अवरोह कर सकते हैं कि ग रे रे सा सा रे सा सा नी नी दादा नी दादा पापा दा पापा मामा पा मामा गा गा मा गा गा रे रे सा सा। तो ये हुआ पूरा आरोहण अवरोहण। ये एकदम बेसिक से मैं आप सभी को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी इसका एडवांस का प्रैक्टिस भी मैं लेके आऊँगा कुछ दिनों बाद। तो क्या हुआ, ग रे रे सा सा मा ग रे रे पा मा मा गा गा
पा मा मा तो मा पा मा गा 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 मा गा। स्लो करके देखिए कि वो स्वर कितना सुर में लग रहा है, उसको खुद जांचिए। तो ग रे रे सा सा मा गा गा रे रे पा मा मा गा गा दा पा पा मा मा नी दा दा पा बा सा नी 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 जा नी तो सा नी नी दा दा रे सा नी नी ग रे रे सा सा। अभी ग रे रे सा सा नी नी दा दा नी दा दा पा बा दा पा पा मा मा पा मा मा गा गा मा गा गा रे रे गा रे रे सा सा। इसको आप स्लो करके स्वर को फोकस करके आप बार बार स्वर में और आकार में रियाज कीजिए। एक एक पैटर्न को बार बार रियाज कीजिए और इससे आपका गले का दाना बहुत साफ होगा और जो प्रिसिशन है, जो स्वर का जो एकदम साफ लगाव है वो भी बहुत साफ होगा और आपका दृष्टि भी बहुत साफ होगा। जो स्वर कहाँ कहाँ कैसे लग रहा है वो आप साफ देख पाएंगे। तो आप इसको अच्छे से कीजिए, रियाज कीजिए। मैं कुछ दिनों बाद इसका एडवांस का प्रैक्टिस में लेके आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा। आप सभी के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नमस्ते। बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे रहिए। नमस्कार।